न्यूजीलैंड दौरे से पहले बढ़ गई कप्तान हार्दिक पांड्या की टेंशन। एक नहीं, पांच पांच ओपनर बल्लेबाज हैं भारतीय टीम का हिस्सा। कौन करेगा ओपनिंग, अभी तक गहराया हुआ है रहस्य। इन दो बल्लेबाजों पर भरोसा जता सकते हैं कप्तान, ये पहले भी भारतीय टीम के लिए कर चुके हैं ओपनिंग। भारतीय टीम T20 व वनडे सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। टीम में अधिकांश युवा खिलाड़ियों का अवसर दिया गया है। माना जा रहा है कि BCCI और चयनकर्ता वर्ष 2024 T20 विश्व कप के लिए युवा खिलाड़ियों की नई टीम खड़ी करने जा रहे हैं। इससे पहले हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया। वहीं न्यूजीलैंड सीरीज में विराट, रोहित शर्मा, KL राहुल, दिनेश कार्तिक और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों को वर्कलोड के चलते आराम दिया गया। उनकी गैर मौजूदगी में शुभमन गिल, उमरान मलिक, ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका दिया गया। दीपक हुड्डा और हर्षदीप सिंह भी T20 विश्व कप 2022 से ही टीम का हिस्सा रहे हैं। युवा खिलाड़ियों से सजी ये टीम बड़ा धमाल करने में सक्षम है। कारण है कि टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तान हार्दिक पांड्या जरूर एक बड़ी टेंशन में होंगे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टीम में रोहित शर्मा और KL राहुल के न होने पर ओपनिंग कौन करेगा, इसको तलाशना सबसे अहम होगा। बता दें कि T20 फॉर्मेट के मैचों में ओपनिंग साझेदारी बहुत अहम होती है। T20 विश्व कप 2022 में टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि पूरा टूर्नामेंट दौरान ओपनिंग साझेदारी बिल्कुल से फ्लॉप रही थी। जबकि इंग्लैंड सिर्फ इस वजह से चैंपियन बनने में कामयाब हो गया कि इंग्लैंड की ओपनिंग साझेदारी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस की। अब न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या की सबसे पहली परीक्षा यही होगी कि भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग कौन करेगा। वैसे टीम में पांच पांच खिलाड़ी ओपनिंग के दावेदार हैं। इसमें सबसे पहला नाम ईशान किशन का है। ईशान किशन न्यूजीलैंड दौरे से पहले भी टीम इंडिया के लिए कई बार ओपनिंग कर चुके हैं। ये शानदार खिलाड़ी होने के साथ आतिशी पारी के लिए भी जाने जाते हैं। ओपनिंग के दावेदारों में दूसरा नाम शुभमन गिल का है। शुभमन गिल युवा और प्रतिभावान होने के साथ साथ एक क्लासिकल बैट्समैन भी हैं। इनमें रन को मेंटेन करने के साथ क्रीज पर रुक कर खेलने की क्षमता भी है। इसमें तीसरा नाम भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का है। ये पावर प्ले के 6 ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लैंड दौरे के दौरान ऋषभ पंत ओपनिंग भी कर चुके हैं, इनके पास एक्सपीरियंस भी है। इसमें चौथा नाम विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन का है। संजू सैमसन भी पावर प्ले में बेहतरीन खेल दिखाने की क्षमता रखते हैं। ये मैदान पर तेजी से रन बटोरने के लिए जाने जाते हैं। IPL में कई बार ओपनिंग करते हुए संजू सैमसन ने बड़ी पारियां खेली। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी ओपनर के दावेदारों में से एक है। ये टीम इंडिया के लिए कई मैच खेल चुके हैं। पिछले दिनों आयरलैंड के दौरे पर उन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपना पहला शतक जड़ा था। अब इन पांच ओपनरों के बीच हार्दिक पांड्या किससे ओपनिंग कराएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वैसे उम्मीद यही जताई जा रही है कि ईशान किशन और शुभमन गिल से ओपनिंग कराई जा सकती है।